हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम वी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो ये साल बहुत खुशियां लेके आ रहा है आपके लिए। अभी एक नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आया था और अब तो 2 जनवरी को ही आज अभी स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। एसबीआई एक ऐसा ब्रांड है जिसके लिए सब लोग वेट करते हैं पूरे साल, और एसबीआई क्लर्क और पीओ स्टार्टिंग में ही आ जाता है, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास वैकेंसी है, 7,800 है टोटल वैकेंसी, ऑलमोस्ट 8,000 वैकेंसी है, इतनी ज्यादा वैकेंसी है स्टूडेंट। तो प्लीज इसके लिए आप जो है फॉर्म भरे। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले, कोई भी आपका एग्जाम है तो आई एग्जाम भी है, जहां पर सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्टूडेंट एसबीआई का जो पेपर है, ये इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये 3 जनवरी से स्टार्ट है। 26 जनवरी तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो कल से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा पेपर के अंदर, तो उसके लिए अगर आपका 10th और 12th में अगर आपने लैंग्वेज वो पढ़ी हुई है तो आपको वो लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने 10th या 12th में वो नहीं पढ़ा है लैंग्वेज, तो आपको अलग से टेस्ट देना पड़ेगा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके पास वैकेंसी है अहमदाबाद सर्कल के अंदर, जैसे गुजरात दमन भी आते हैं, जैसे चेन्नई है, तमिलनाडु पांडिचेरी के अंदर आते हैं, तो इस तरह से यहाँ लैंग्वेज भी दी हुई है कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो अपनी आप स्टेट लैंग्वेज देखें, किस लैंग्वेज को आप जानते हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो ये है 7870, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 7870 वैकेंसी है। दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो वहां भी आप अलग से वैकेंसी जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। स्टूडेंट ढेर सारी वैकेंसी है अलग, यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी भी है, साथ के साथ बैकलॉग वैकेंसी भी है चंडीगढ़ में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, यहाँ भी आप देख सकते हैं। टोटल मिला के आपके पास 8,000 वैकेंसी हो जाएंगी अगर बैकलॉग को भी एड कर देते हैं। सो बात करते हैं एज लिमिट की। 20 ईयर्स इज द मिनिमम एज, 28 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज है। तो कई बच्चे जो है 21 साल कई जगह पे एज होती है तो अप्लाई नहीं कर पाते, तो गुड न्यूज है आपके लिए कि 20 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज 28 है। ये डेट देखी जाएगी 1 जनवरी 2020 तक, इसका मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2000 के बीच में होनी चाहिए। 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, और भी आप यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो, नो परसेंटेज बार, कोई परसेंटेज बार नहीं है। तो जिसके भी कितने भी परसेंट आए हों यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एक और बात यहाँ पे लिखी है कि फाइनल ईयर वाले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 जनवरी तक आपका सेट डिग्री हो जानी चाहिए। इसका मतलब जो आज फाइनल ईयर में है वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है, 1 जनवरी तक रिजल्ट आ गया है, उनके पास सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स अभी वाले फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। सो गुड न्यूज, कोई परसेंटेज मार्क्स नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर पहले प्री होता है और फिर मेंस होता है। प्री के अंदर 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 3 सेक्शन आते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए, 35 क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए, 20-20 मिनट का टाइम मिलता है, टोटल आपको 1 घंटा मिलता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी जैसे हर एग्जाम में होता है, और 10 टाइम्स यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर मेन्स जितनी आपकी वैकेंसी है। तो लगभग अगर आपके पास 8,000 वैकेंसी है तो 80,000 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर मेंस। अब बात करते हैं मेंस, तो इसका मेंस होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके अंदर आपके पास 190 क्वेश्चन है जिसके लिए 200 नंबर आपको मिलेंगे और 2 आवर 40 मिनट का यहाँ पे टाइम है। इसमें पहला सेक्शन है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 35 मिनट के लिए, फिर जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, 35 मिनट, फिर क्वांट आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट, और रीजनिंग और कंप्यूटर है, हालांकि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, सिर्फ रीजनिंग आता है, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट। तो ये इसका यहाँ पे सेपरेट टाइम दिया गया है हर सेक्शन के लिए। तो प्री और मेंस जैसे बाकी प्री और मेंस होते हैं वैसे इसका होता है। सो स्टूडेंट आपका जो एग्जाम होगा उसकी डेट जो है वो है फेब मार्च के बीच में होगा, तो एक्सपेक्टेड है फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में होगा, ऑलमोस्ट यू हैव 2 मंथ टाइम। तो स्टूडेंट अब आपके पास मौका है एसबीआई में जॉब करने का, एसबीआई क्लर्क,
जल्दी से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 13,000 है, ओवरऑल जो आपका पे स्केल है वो सब अलाउंसेस वगैरह मिला के यहाँ पे 40,000 के आसपास आपकी सैलरी पड़ती है। सो ये जो सैलरी है ये आपको 35,000 से 40,000 के बीच में इन हैंड पड़ेगी सब कुछ अलाउंसेस मिला के, और यहाँ पे अलग से इंक्रीमेंट भी मिलते हैं और बहुत सारे अलाउंसेस आपको यहाँ मिलते हैं। सो इट्स ए वेरी गुड जॉब एसबीआई में अगर आप जॉब करते हैं। स्टूडेंट अगर आप बात करें पेपर की फीस की, तो एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, जबकि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपए फीस है। तो अभी से अप्लाई कर दें एंड हमारा एसबीआई क्लर्क का स्पेशल ऑनलाइन कोर्स अभी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।